इसको भी कर सकते हो, ठीक है, इसको जुगाड़ टेक्नोलॉजी से भी कर सकते हो और नॉर्मल एरिया वाला फार्मूले से भी कर सकते हो। एक सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ द ब्लॉक, इस तरह से ब्लॉक दिया हुआ है जिसकी जिसका जो एरिया है, ठीक है, इस टाइप से है, देखो इस टाइप से है, और ये एक्स है, ये यहाँ से ये एल बाई टू है, और ये यहाँ से आगे आ गया, और ये, ठीक है, समझना, ये एल रेक्टेंगल है और ये एल बाई टू है, और ये भी एल बाई टू है, और ये पूरा एल हो गया, और ये भी एल बाई टू, ये भी एल बाई टू। तो अगर ये एल बाई टू है तो ए भी एल बाई टू है, ए भी एल बाई टू, ऊपर एक स्क्वायर। तो तुम इसको दोनों तरीके से कर सकते हो, क्योंकि इसका इस स्क्वायर का, क्योंकि देखो सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ आएगा और इसका सेंटर ऑफ मास आएगा, फिर इन दोनों का सेंटर ऑफ मास। तो या तो फिर फार्मूला लगा दो, और फार्मूला अगर एरिया वाला लगाओगे तो दोनों का एरिया निकालो पहले, तो दोनों का एरिया पहले वाला स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, तो एरिया A1 मान लेता हूँ, इसका एरिया A2 मान लेता हूँ। एरिया A1 इज इक्वल टू, बोलो ऊपर वाले का एरिया कितना हो गया, एल बाई टू, एल बाई टू, एल स्क्वायर बाई फोर, और नीचे वाला का एरिया A2 आ गया, ए एल और ये, तो एल स्क्वायर बाई एल, एल स्क्वायर बाई टू, तो ये दोनों का एरिया। तो एरिया जो एक्स सी एम आ जाएगा, एक्स सी एम, उसका फार्मूला क्या है, एरिया A1 X1 प्लस एरिया A2 X2 और डिवाइडेड बाई एरिया A1 प्लस A1 प्लस एरिया। तो पता है पहले वाले का एरिया मुझे पता है कि एल स्क्वायर बाई फोर है, तो पहले वाले का एरिया मैं रख दूं एल स्क्वायर बाई फोर और मल्टीप्लाइड बाई X1। X1 क्या है, X1 जो है पहला वाला जो एरिया है वह कहाँ लोकेटेड है, उसका मतलब सेंटर मास एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट है। तो ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये तो इसका जो एरिया है, ये स्क्वायर है, तो इसका सेंटर ऑफ मास है एल बाई फोर पे आएगा यार, ठीक है, तो एल बाई फोर पे आएगा, तो ये मल्टीप्लाई एल बाई फोर प्लस, और ये दूसरा वाला एरिया ए टू है, ठीक है, एरिया ए टू है, तो एरिया एल स्क्वायर बाई टू, और साथ साथ इसका जो ए जिसका एक्स कोऑर्डिनेट जो आएगा वो इसके डायगोनल के इंटरसेक्शन पे आएगा, और ये आ जाएगा यहाँ से L बाई टू पे, L बाई टू, डिवाइड कर दो समेशन ऑफ दिस एरिया, तो समेशन ऑफ दिस एरिया जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3L स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ दो 3L स्क्वायर बाई फोर। अब इसको तो L स्क्वायर खत्म हो गया, तो यहाँ से मिल गया L स्क्वायर हो गया, यहाँ से मिल गया 1/L/16 और प्लस यहाँ से मिल गया L/4 डिवाइडेड बाई 3/L/4 डिवाइडेड बाई 3/4, ठीक है, तो 3/4 इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो 16 मतलब 5L, और यह आ जाएगा नीचे 16 और ये 4 ऊपर चला गया, और 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो, ठीक है, तो 4 चौके 16 है, मतलब 5L by 12, तो 5L by 12 इसका XCM आएगा। तो 5L by 12 सिर्फ एक ही में है XCM, तो दूसरा हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, YCM लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। जो ध्यान देना, जो X ये यहाँ जो X यूज, ध्यान देना, जो X यूज हुआ है वो एरिया A1 का सेंटर ऑफ मास का X कोऑर्डिनेट है,